गाइज वेलकम बैक टू इंडियन सोल्जर वन। ये है गेमिंग न्यूज का एपिसोड नंबर 255। और अगर आप गॉड ऑफ वॉर के फैन हो तो भाई चार ऐसी न्यूज लेके आया हूं। अब जैसे जैसे हम गेम की रिलीज के क्लोज जाते जा रहे हैं, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन भी आती जा रही है। ऑल दो मैं इस चीज़ का फैन नहीं हूँ कि नई इन्फॉर्मेशन लीक हो, बिकॉज कहीं ना कहीं स्पॉयलर्स भी होते हैं, लेकिन स्टिल आज मैं जो न्यूज़ आपको बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। एक चीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर ऑलरेडी नहीं करा हुआ। शुरू करते हैं गेमिंग न्यूज़ का एपिसोड नंबर 255। जैसे कि मैंने आपको बोला, सबसे पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, वो है टोक्यो गेम शो 2022 के अंदर कोनामी ने अनाउंस कर दिया है कि वो एक इंपॉर्टेंट गेम रिवील करने वाले हैं। और भी बहुत सारी अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं कोनामी की तरफ से। ये पूरा आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट। और जो दूसरी न्यूज़ है वो है साइलेंट हिल। भाई ये वो सीरीज़ है जो रेजिडेंट ईवल के साथ प्लेस्टेशन 1 और प्लेस्टेशन 2 पे बहुत फेमस हुई थी। साइलेंट हिल की तरफ से भी एक नई गेम इसी महीने अनाउंस हो सकती है। ये जो ट्वीट है आप यहाँ पढ़ सकते हो पॉज करके, और इसी की वजह से ये गेम और ये जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा आज और कल में ट्वीट हो रही है, इसके बारे में बातें हो रही हैं, बहुत सारे हैशटैग्स साइलेंट हिल के नाम से आ रहे हैं। तो वो यही न्यूज़ है जिसकी वजह से साइलेंट हिल कल और आज से चर्चा में बनी हुई है। इसके अलावा भाई जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है आरपीजीज, जो गेम्स आने वाली हैं प्लेस्टेशन 5 के ऊपर, स्पेशली आरपीजीज। आप देख सकते हो ये सारी अनाउंस्ड गेम्स हैं, कन्फर्म्ड गेम्स हैं जो प्लेस्टेशन 5 पे आपको खेलने को मिलेगी। इनमें से आपकी फेवरेट आरपीजी कौन सी है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरी तो तीन आरपीजीज हैं, एक तो है हॉगवर्ट्स लेगेसी, एक है मास इफेक्ट और तीसरी है फोरस्पोकन। ये तीन आरपीजी गेम्स का मैं सबसे ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। और आपकी कौन सी है सबसे फेवरेट ये बता देना। विचर भी बहुत अच्छी है, लेकिन आप अपनी मेजर आरपीजी आप खेलने वाले हो शुरू से लेकर एंड तक वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और गॉड ऑफ वॉर की न्यूज़ पे आने से पहले दो छोटी छोटी सी न्यूज़ जल्दी से मैं कवर कर दूं। एक तो प्लेस्टेशन प्लस की सितंबर गेम्स रिवील हो चुकी हैं, जो सितंबर 6 को अवेलेबल हो जाएंगी आपको डाउनलोड करने के लिए। ये तीनों ही गेम्स हैं, नीड फॉर स्पीड हीट और ये ग्रैंड ब्लू फैंटेसी और साथ में टोएम। ये तीनों ही गेम्स आपको 6 सितंबर को मिल जाएंगी। और अगर हम प्लेस्टेशन प्लस की बात करें, गेम पास की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो गेम पास एक्सबॉक्स बेसिकली और एक्टिविजन ने मिलकर ये अनाउंस कर दिया है आज कि कॉल ऑफ ड्यूटी इज गोइंग टू बी अ मेजर पार्ट ऑफ गेम पास फ्रॉम नाउ। ऑल दो जैसे ही ये गेम पास पे आएगी उसी दिन ये प्लेस्टेशन पे भी रिवील होगी, रिलीज होगी। लेकिन भाई ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, गेम पास का मैं हमेशा से फैन रहा हूं और ये बहुत जबरदस्त चीज है अगर आपके पास पीसी या एक्सबॉक्स है तो। और अब आते हैं गॉड ऑफ वॉर पे। भाई गॉड ऑफ वॉर की एक चीज जो रिवील करती है, पहली न्यूज है, वैसे चार न्यूज है टोटल में। पहली न्यूज ये है कि ये पढ़ लो आप यहां पे, इन द लास्ट गेम, ये सैंटा मोनिका ने ऑफिशियली बोला उनके डेवलपर्स ने कि इन द लास्ट गेम इफ यू प्रेस ट्राइंगल यू रिकॉल द एक्स। मतलब जब आप ट्राइंगल दबाते थे गॉड ऑफ वॉर 2018 में तो आपके पास एक्स आ जाती थी, और अगर आपके पास ऑलरेडी एक्स है तो ट्राइंगल दबाने से कुछ नहीं होता था। अगर आपके पास ब्लेड्स ऑफ केओस आपने सेलेक्ट कर रखे हैं लेटर हाफ ऑफ द गेम में और आप फिर भी ट्राइंगल दबाते थे तो आपके पास एक्स आ जाती थी। एंड दैट्स मतलब दैट्स द सेम थिंग, मतलब एक्स ही आती थी आपके पास, इससे ज़्यादा ट्राइंगल बटन का कोई पर्पस नहीं था। लेकिन इन्होंने अब बोला है कि वी लुक एट द कॉन्सेप्ट एंड वॉन्डर वट इफ यू कुड डू समथिंग अ लिटिल बिट डिफरेंट विद दैट बटन, अ होल न्यू सूट ऑफ मूव्स। सो इन्होंने बोला है कि इस बारी गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक के अंदर आप और भी बहुत कुछ अमेजिंग कर पाओगे विद दैट ट्राइंगल बटन। और ये सिर्फ बोला ही नहीं गया, अब मैं आपको बताता हूँ गेम इन्फॉर्मर की तरफ से, जो गेम इन्फॉर्मर मैगजीन है, ऑनलाइन वेबसाइट है और जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इन्होंने एक जो दूसरी न्यूज़ है वो ये है कि इन्होंने दो दिन पहले ये एक छोटा सा ट्रेलर निकाला था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद चेकआउट जरूर करना। इसके अंदर 15 से 20 सेकंड की वीडियो है, नई फुटेज है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक के गेम प्ले की। अगर आपने ऑलरेडी नहीं चेकआउट करी तो कर लेना, सिर्फ सवा मिनट की वीडियो है। ये हो गई सेकंड न्यूज जो गॉड ऑफ वॉर से रिलेटेड आपने जरूर चेकआउट करना है, लिंक जैसा कि मैंने आपको बोला डिस्क्रिप्शन में है ही। और जो थर्ड न्यूज है वो है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक का ये नया वीडियो जो आज शाम को 8:30 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। इसका नाम है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक्स कॉम्बैट लेट्स यू प्ले विद योर फूड। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है जो आज शाम को 8:30 बजे प्रीमियर होगी ऑन गेम इन्फॉर्मर्स चैनल। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड द फोर्थ न्यूज इज के फर्स्ट लुक एट द गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक्स स्वॉटलफाइम लेवल। तो स्वॉटलफाइम बेसिकली वो रेलम है जिसमें हम गॉड ऑफ वॉर 2018 में नहीं गए थे, और ये रेलम है ऑफ ड्वार्व्स, जो मेरे ख्याल से ब्रोकन सिंड्री की रेलम है ये, जो हमें ट्रेलर में भी देखने को मिली थी। और उसी से रिलेटेड ये जो मैं सवा मिनट की वीडियो आपको कह रहा हूँ देखने के लिए, उसी के अंदर आपको 10 से 15 सेकंड के भी गेम प्ले देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो प्रीमियर होगी 6 सितंबर को शाम को 8:30 बजे। तो ये हो गई चौथी न्यूज़। ये चारों न्यूज़ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको दो वीडियोज़ जो हैं आज ही चेकआउट करनी है, ये दोनों, और ये आपको 6 को देखने को मिल जाएगी जिसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये
न्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। साथ में भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं ऐसी एक और जबरदस्त वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।